जगरातियां दे आइटम आइटम करता सीगा तो उत्थे ना प्रवीण कुसरा ते सोनिया कुसरा आए सीगे तो उत्थे मेरी इन्हां ने वाकफी हो गई इन्हां ने मेरी वाकफी हो गई उत्थे ते मैं फिर इन्हूं अपने घर लैके जांदी रहिंदी रही कि कहिंदे कि तू साडे नाल नच्चण जाया कर प्रोग्राम ते जाया कर ते फिर मैं जांदा रहा उन्हां घर ते इन्हां ने मेरे भांडे भुंडे मेरे घर मांजदा रहा रोटी बनांदा रहा ठीक है ना कि जो इन्हां नूं कोई कुसरा नहीं होणा ते मैनूं सूट पवा के लैके जांदे रहे नाल ते फिर बाद चों सोनिया कुसरा सोनिया कुछ घर प्रवीण कुसरा आया एक दिन पहले उन्हें पैसे दे के गया कि जाओ शॉपिंग शुपिंग कर आ जाओ तो फिर मैं अपन शॉपिंग कर चल गया कि इन्होंने मैंने जाते जाते पता नहीं कोल्ड ड्रिंक कुछ पिला भी दिया वा तो उसके बाद ही मैंने पता चला मेरा की होया की नहीं होया तो फिर जो मैंने लिंक कट हो गया तो फिर मैंने पता चला तो शायद दूसरे दिन तो फिर उन्हें वो मैंने लैके गए दीनानगर उधरों लैके दीनानगर जिस दिन मेरे सगन भी आने के नारियल भन्ने जो भी सगन किए वो भी सगन भी इन्होंने अपने कोल रख ले मेरे तो बाद फिर मैंने सोनिया कुछ अपने डेरे लै गया उत्थे जाके मैंने मार के कुट दे रहे हैं काम कार कराते रहे फिर वो एक दिन काम पर गए ना रोटी मैं पिछले भज के आ गया हूँ बस इंसाफ चाहते हैं सोनिया कुछ रहे ने तो प्रवीण कुछ ने मेरी जिंदगी खराब करती है साल रहे हैं पर सर मैंने इन्ना नहीं पता कि इन्होंने मेरा ये काम करा देना वा पर मेरा गलत होया जो भी इन्होंने किया अमृतसर में लैके जाते रहे बस उस तो बाद मैं पता कितने लैके गए कितने नहीं लैके गए हाँ जी हर एक इदा ही करते सर हाँ जी होर भी बथेरे बाबे आते उन्होंने घर होर भी आते जाते पर मैं इन्ना नहीं पता कि इन्होंने मेरे काम करा देना सर इन्होंने मैंने बहुत धोखेबाजी की मेरे नाल जी करते हैं करवाते हैं सर इदा ही बस इन्होंने लैके पहले भी इन्होंने किसी ना करवाया होया वा तो हैगा एक अद्धा होर भी हैगा इन्होंने धारीवाल इधर इधर करवाया होया वा मेरे बच्चे नाल घटना वापरी है कि मेरा बच्चा आठवां विच प्रोग्राम करता सीगा राधा कृष्ण का रोल करता सीगा जो जगराते हुए तो मुड़ के उस तो बाद इन्हां नूं बाबे मिले सोनिया बाबा मिलिया इन्हू बच्चे कहन लगा कि चलो तू प्रोग्राम करना साढ़े नाल भी प्रोग्राम करवा कर इन्हें 150 का जो भी कोई लालच दिता तो मेरा बच्चा इन्हों के पिछले लग गया ये मुड़ के बाबे ये इन्हों को लगे पै रहा उन्होंने नाल जो इन्हों को कम कुम कराता रहा बच्चे गलबात करते रहे हैं बच्चा साढ़े न खुल के गल नहीं कर सकता अभी जो भी कहते कि तू खुल के गल कर जे तेरे कोई प्रेसर है चाहे किस तरह कहते नहीं मम्मा कोई मतलब अभी कोई गल नहीं है कि लागे सारे मैं तेरे की गल करा जो इस बच्चे के नाल की होया कि मुड़ के इनू लै जाते रहे भांडे भूडे मजान वास्ते लालच पाया पैसे का जो ये नहीं भी होंगे ही बच्चे इन्होंने कोई नहीं कोई घर कोई बाबा होंगे कि मेरे बच्चे को सूट पवा के भी लै जाते रहे पर सानू इस चीज़ का नहीं पता कि मेरे बच्चे की बाप मतलब इन्होंने की करना कहीं मुड़ के एक दिन होया कि मैं ना फोन लावा इन्होंने कि मैंने रात नींद नहीं आनी मैं कहना कि मेरा बच्चा पता नहीं की गल मैंने नींद नहीं पाई मेरा घर वाला कहता तू तो जान के टेंशन लगती है नहीं कुछ नहीं सुनता मैं कह नहीं पता नहीं मैंने इस तरह लगता जिस तरह ना कुछ होने वाला आया कहता चलो कोई गल नहीं तू सो जा आराम मुड़ के दो चार दिन होया ना मैंने फोन लावा जो फोन लावा यह सुच बंद मेरे घर वाले मैं कह सुच बंद आता फोन का पता नहीं की गल मैं फोन क्यों नहीं चुकता कहता कोई गल नहीं फोन जो कि बहर अंदर गए होंगे भी जगरातियां तो सुच बंद ही कर देंगे तो कोई गल नहीं आप ही आ जाएगा मैंने उन्हें इस तरह ही हौली मतलब कि दसिया भी इस तरह कि ता दीपक कितने आ बच्चा मैं क्या सा दीपक बच्चा तो गेगा वो मतलब बाबे नाल ही रहा मैं क्या हूँ बाबे भी लै जाते नाल तो जगरातियां वाले भी लै जाते जो यदा सुच बंद आए इन्हें ये नहीं कोई मेरी गलबात हुई फिर एक दिन मेरा बच्चा मेरे को आया मैंने आके दसिया कि मम्मा इस तरह ये चीज़ा पूरी नीली हो बखियाँ तो उत्ते भी नील पे सारे ने वेखे ही उस टाइम तो जी हालात ही ना मेरे बच्चे की
ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਲਿਪੜੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਟ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਰੀਟਾ ਪਤਨੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਵਾ ਸੋਨੀਆ ਕਿੰਨਰ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਰ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸੋਨੀਆ ਕਿੰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।